मिलकर चलेंगे हम, मिलकर बढ़ेंगे हम। रे मिलकर चलेंगे हम, मिलकर बढ़ेंगे हम। विकास की दिशाएं मिलकर तय करेंगे हम, तय करेंगे हम। रे मिलकर चलेंगे हम, मिलकर बढ़ेंगे हम। हम सभी की बात एक, सभी की चाह एक। हम सभी को चाहिए विकास की राह एक। रह मिलके संभालते से हम गांव में अपना राज, लोकतंत्र का नया सदौर अपना पंचायत राज। रे मिलकर चलेंगे हम, मिलकर बढ़ेंगे हम। रे मिलके चलेंगे हम, मिलकर बढ़ेंगे हम। संविधान के 73वें संशोधन के साथ भारत में पंचायती राज को नई ताकत देने की एक लहर चल पड़ी है। आज सभी गांव में ग्राम पंचायत है जो अपनी आवश्यकता अनुसार अपने लिए विकास के कार्यक्रम बनाती है और उन्हें इस तरह से लागू करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण जनता को उनका फायदा मिल सके। क्योंकि पंचायती राज का असल मतलब ही प्रशासन में सभी लोगों की भागीदारी और सत्ता का अधिकतम विकेंद्रीकरण। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि उसकी योजना बनाई जाए, और योजना को समझने के लिए जरूरी है कि हम इन चार सवालों का जवाब समझ लें पहले। कब, क्यों, कहां और कैसे, यानी कि योजना कब बनानी है, किसने बनानी है, कैसे बनानी है और किन किन लोगों की उसमें भागीदारी होगी, तो वो प्राथमिकताएं पहले सेट की जाएं और उसके हिसाब से अपने संसाधनों को देखते हुए योजनाएं बननी चाहिए। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान एक प्रशिक्षण संस्थान है और इसकी मेन जिम्मेवारी है कि हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं या जो भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देकर हम फील्ड में छोड़ें, और ताकि वो अपने काम को ठीक तरह से, सही तरह से समझकर काम को करें और गांव का सही तरह से विकास हो पाए। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को हम समझाना चाहते हैं, वो हम प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को इसके बारे में बताते हैं, मगर हम अब ये चाहते हैं कि इस लघु फिल्म के माध्यम से भी हम गाँव वालों तक ये पहुँचाएँ कि विकेंद्रित नियोजन क्या होता है, इसको समझें और अपनी योजनाएँ खुद बनाएँ। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पंचायत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम बनाने, उन्हें नियोजित करने और उनका संचालन करने के लिए ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों में अधिकाधिक भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने फैसले खुद कर सकें, अपनी प्रगति की राह खुद चुन सकें। इसलिए विकेंद्रीकृत नियोजन को पंचायती राज का मुख्य मकसद माना गया। पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना तो होता है, लेकिन इसमें सभी की सहभागिता होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है? क्या सिर्फ किसी क्षेत्र के ढांचागत निर्माण के विकास को ही हम विकास मान सकते हैं? क्योंकि हो सकता है कि ये संरचनाएं कुछ ग्रामीणों के लिए तो उपयोगी हों, लेकिन अन्य को इनका उतना लाभ ना हो। इसलिए विकास की बात करने से पहले हमें इसके पैमाने को तय करना होगा। गौरतलब है कि पंचायती राज का लक्ष्य विकेंद्रीकृत नियोजन से ग्रामीण समाज के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाना और लागू करना है। अब विकास का अर्थ है लोगों के जीवन में समयबद्ध तरीके से ऐसा बदलाव लाना जो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके और जिसका लाभ सबको मिल सके। ग्रामीण विकास की इस परिभाषा के तहत इसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। सहभागिता से बनने वाले कार्यक्रमों का लक्ष्य पूरी ग्रामीण आबादी होनी चाहिए। इसमें महिलाओं और अनुसूचित जातियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण आबादी की आर्थिक उन्नति और उससे जुड़े हर पहलू, चाहे वो कृषि हो या पशुपालन, उन सब का विकास होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है नियोजन की
यानी के योजना निर्माण की। हरियाणा की पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल योजनाएं तैयार करती हैं। नियोजन या योजना निर्माण का मतलब है उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके तय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। किसी भी ग्रामीण इलाके में मानवीय विकास के लिए जो लक्ष्य तय किए जाते हैं उनमें गरीबी हटाना, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, सामाजिक न्याय आदि शामिल हैं। और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मौजूद संसाधन बहुत कम हैं। इसलिए एक अच्छी पंचायत ऐसी योजनाओं का निर्माण करती है जो इन लक्ष्यों को उन साधनों की सीमा में पाने में सहायक हो। जब हमने ये काम शुरू किया इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। बेटा शहर गया, उसने आने के बाद हमें बताया और हमने काम शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, जितनी हमने लागत लगाई थी उतना हमें मुनाफा नहीं हुआ। देखो बहन, आप तो गांव की है ना, तो आपने बिना योजना के काम कैसे शुरू कर दिया? ये अच्छी योजना ना होने के कारण ही आपको नुकसान हुआ है। काम छोटा हो या बड़ा, उसके लिए योजना की जरूरत पड़ती ही है। यहाँ तक कि खेती करने के लिए भी हम योजना बनाते हैं। हम कब खेत तैयार करेंगे, कौन सा बीज डालेंगे, कब उसमें पानी और कब खाद देंगे। हो सकता है कि हालात के अनुसार इस योजना में बदलाव की जरूरत हो, यानी कम से कम संसाधन लगाकर ज्यादा से ज्यादा फसल लेना। किसी ग्राम पंचायत का फर्ज है कि वह विकास के कार्यक्रम बनाने से पहले उसके लक्ष्य निर्धारित करे और फिर लागत आदि का अनुमान लगा के उसके लिए योजना तैयार करे। इसलिए पंचायत के सभी सदस्यों यानी पंचों को चाहिए कि वे अपने अपने वार्डों में योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी सरपंच को दें। ग्राम पंचायत की योजनाओं में मुख्य भूमिका ग्राम सभा की होती है। वो किन कामों को जरूरी समझती है, इसकी प्राथमिकता क्या है, कार्य कैसे होंगे, कार्यक्रम के किस हिस्से का जिम्मेदार कौन होगा, इस पर कितनी लागत आएगी और कार्यक्रम से किसको कितना फायदा होगा, ये सब ग्राम सभा में तय होगा। हमें वो चीजें लेनी है जो कम्युनिटी एट लार्ज बेनिफिट करेंगी। तो जब प्राथमिकताएं निकालने लगे तो उससे जो एक्सरसाइज हुई वास्तव में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और जो योजनाएं बने वो नीचे से ऊपर आए। वास्तव में योजना बनाने के लिए पहले आंकड़े जमा हो जाने चाहिए, इससे योजना की रूपरेखा साफ हो जाती है। योजना बनाने के लिए ये भी जरूरी है कि लोग अपनी जरूरतें जानते हों और उनके बारे में विचार करने के लिए ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेते हों। हाँ तो भाइयों और बहनों, आपकी क्या क्या समस्याएं हैं ये मुझे बताइए। अब सुनो सरपंच जी, आपने पिछली बार ये कहा था कि इस गांव में लड़कियों का स्कूल बनना चाहिए, ये बात मानी क्यों नहीं? देखो बहनों और भाइयों, उस वक्त हमारे पास फंड नहीं था और गांव में और भी कई काम चल रहे थे, लेकिन अब हमें सबसे पहले यही पता करना है कि गांव में किन किन चीजों की जरूरत है, बारात घर की, गोबर गैस प्लांट की या फिर लड़कियों के स्कूल की, क्यों? ठीक है ना सरपंच जी? बारात घर की बात को तो रहने दो, लड़कियों के लिए पहले गांव में स्कूल होना चाहिए। और क्या, लड़कियों को 12 किलोमीटर दूर अकेले कौन भेजेगा? हाँ भाई, जब लड़कियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। अरे ताऊ, तो मैंने कब मना किया है, मेरा तो काम ही यही है कि जो भी जरूरत सामने आए उसे ग्राम सभा के सामने रख दूं, जो भी फैसला होगा उसी हिसाब से योजना बनेगी, क्यों भाई? सरपंच जी एक बार वोटिंग करवा लो। लो जी, जब ज्यादातर लोग लड़कियों के स्कूल के पक्ष में हैं तो फैसला तो अपने आप ही हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, अभी हमें और भी बहुत से काम करने बाकी हैं। सबसे पहले हम एक शिक्षा समिति का गठन कर लेते हैं जो हमारी ग्राम पंचायत के साथ तालमेल बिठा के काम करेगी, और ये समिति उन एनजीओ के साथ सर्वे करेगी जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप सबको भी उसमें अपना सहयोग देना होगा। तो विकेंद्रीकृत नियोजन का मतलब ये हुआ कि लोग खुद ही अपने लिए योजनाओं का निर्धारण करें और उन्हें बनाने में भागीदारी करें। योजना बनाने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि साधनों का दुरुपयोग नहीं हो सकता। लोग अपनी जरूरतें और उनमें लगने वाले संसाधनों का खुद आकलन करते हैं
इसमें क्योंकि सबकी भागीदारी होती है, काम समय पर और अच्छे तरीके से पूरा होता है। पंचायती राज के माध्यम से नियोजन का एक बड़ा फायदा ये ही है कि योजना के निर्माण में सबकी भागीदारी हो जाती है। लोग खुद फैसला करते हैं कि विकास कैसा होना चाहिए। एक तरह से उनका विकास खुद उनके अपने ही हाथ में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी भागीदारी से बनने वाली योजना और उसके लागू करने में खुलापन रहता है और फिर सबका खुद के ऊपर और ग्राम पंचायत के ऊपर विश्वास बढ़ता है। नियोजन में लोगों की भागीदारी से विकास एक तरफा नहीं रह जाता। समाज के सभी वर्गों को इसका समान रूप से लाभ मिलता है। इससे सामाजिक न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई जाती है। इस तरह की योजना बनाने में ग्राम पंचायत चाहे तो किसी गैर सरकारी संगठन या दूसरे माहिरों की मदद ले सकती है। ग्राम पंचायत खुद भी किसी कार्यक्रम की योजना बनाने या उसे लागू करने के लिए अपनी उप समितियों को ये जिम्मेदारी दे सकती है। इन उप समितियों में लाइन विभागों के अधिकारियों को भी जोड़ा जा सकता है। इससे कार्यक्रम से संबंधित आधारभूत आंकड़े भी जमा हो जाते हैं और योजना की सफलता भी पक्की हो जाती है। ताई ये बताओ कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि गांव में स्कूल होना चाहिए लड़कियों के लिए? देख बेटी, मुझे पता चला है कि हमारे गांव की लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, पर स्कूल गांव से बहुत दूर है इसलिए वो जा नहीं सकती। लड़कियों को तो घर पे आके चूल्हा चौकी का काम भी करना पड़ता है, लड़के तो साइकिल पे भी स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन लड़कियों को इतनी दूर कौन भेजेगा, इसलिए हमने सोचा है कि पंचायत में लड़कियों का स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखें। देखो बेटी, पहले जमाने में पढ़ाई लिखाई का चलन नहीं था, थोड़ी सी छोरी पढ़ी और शादी कर दी जाती। लेकिन ताई जमाना बदल चुका है, इसीलिए लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो अच्छी जगह शादी कैसे करोगे? एक बार अपनी समस्याओं को पहचानने के बाद उस पर काम शुरू किया जा सकता है। और इसमें सबसे पहले आता है ये पता लगाना कि इस योजना के लिए गांव की स्थिति अनुकूल है कि नहीं। इसके लिए पंचायत को आंकड़े जमा करने होते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों के स्कूल की योजना के लिए जिन आंकड़ों की जरूरत होगी वे इस तरह हो सकते हैं कि पहला, गांव की आबादी कितनी है, दूसरा, उनमें लिंग अनुपात क्या है, तीसरा, कितनी लड़कियां पढ़ने जाती हैं, और चौथा, क्या गांव में स्कूल के लायक जमीन उपलब्ध है। इसी तरह के आंकड़े जमा करना योजना का पहला चरण होता है। इन आंकड़ों को जमा करने के लिए पंचायत खुद किसी समिति का गठन कर सकती है या फिर इस काम के लिए किसी गैर सरकारी संस्था की और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मदद भी ली जा सकती है। साथ ही साक्षर महिला समूहों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। तो कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं जी। लड़के कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं? 3 लड़के हैं और 2 लड़की। तो ये सब तो पढ़ने जाते होंगे? पहले तो सब के सब जाते हैं, अब लड़की नहीं जाती। अब पास के गांव में छोरे चले जाते हैं, छोरियां नहीं जाती। भला वो क्यों? क्योंकि स्कूल बहुत दूर हो रहा है और आते आते शाम हो जाए। अब सारे दिन माँ को बच्चों की चिंता लगी रहती है। तो क्या अगर गांव में स्कूल बन जाएगा तो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजोगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, गांव में स्कूल बन गया तो हम अपनी लड़कियों को जरूर भेजेंगे पढ़ने के लिए। देखो बहन जी, हम तो रह गए अनपढ़, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इन आंकड़ों को जमा करने के बाद इनकी जांच भी की जाती है ताकि ऐसा न हो कि गांव से जमा किए गए आंकड़े और वास्तविक आंकड़ों में फर्क निकल आए। लेकिन इसी के साथ गांव के अन्य आंकड़े जैसे पंचायत की वित्तीय स्थिति का आकलन भी लगाया जा सकता है और फिर सही तरीके से योजना बनाई जाती है। इसके अलावा विकास की योजनाओं के लिए ग्राम पंचायत को राज्य सरकार से फंड मिलता है और गांव के करों से भी कुछ आय होती है और बाकी स्रोतों से भी पंचायत को आय होती है जो कि गांव के विकास में लगाई जाती है। उदाहरण के लिए इस गांव में लड़कियों के स्कूल की योजना के लिए भूमि और भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के साधनों का आकलन भी किया जाना जरूरी होता है। पंचायत गांव की श्यामलाल भूमि की मालिक होती है, यानी वो जिस तरह चाहे गांव के विकास के लिए इस भूमि का इस्तेमाल कर सकती है। इसे संसाधन मानचित्रण भी कहते हैं। इस तरह के मानचित्रण से योजना के बारे में सही आकलन बन जाता है, जैसे कि वो निर्माण कार्य कहां करना ज्यादा लाभकारी होगा, उसमें कितना समय व क्या व कितने संसाधन लगेंगे, ग्राम पंचायत के पास उसके अनुसार कितने संसाधन हैं,
और उन संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है जैसी बातें होती हैं। हाँ तो जी, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? सरपंच जी, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो गांव में लड़कियों की आबादी का अनुपात बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, जिस वजह से लड़कियों की पढ़ाई में बाधा पहुँच रही है। तो आपका क्या कहना है श्यामलाल जी? देखो जी, पंचायत की पूर्व वाली जमीन है वो खाली है, उस पर खेती तो की नहीं जा सकती, क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें। मेरी और बाकी सभी पंचों की सहमति यही है कि स्कूल में अलग से 4 कमरे और बनवा दिए जाएं। लड़कियों के लिए हाई स्कूल भी बन जाएगा और उन 4 कमरों का इस्तेमाल भी हो जाएगा। और फंड का क्या होगा? देखो जी, पिछली बार का फंड बचा हुआ है, उससे 4 कमरे नहीं डल पाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा विभाग से फंड भी मिल सकता है। तो फिर ठीक है जी, इस काम की योजना बना के आंकड़ों समेत इसे पंचायत समिति को पहुंचा देते हैं, वहां से जिला परिषद होती हुई जिला योजना समिति में पहुंच जाएगी, ठीक है ना? चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हर राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन करना जरूरी कर दिया गया है। राज्य की योजनाओं का निर्माण जिला योजनाओं पर आधारित करना शुरू कर दिया गया है। डीपीसी की मीटिंग होती है, उससे पहले समस्त जो ग्राम पंचायतें हैं और साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वार्ड हैं, तो वार्ड मेंबरों से उनके आवश्यकताएं मांगी जाती हैं। उन आवश्यकताओं पे जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, उनकी टिप्पणी मांगी जाती है कि क्या ये फीजिबल हैं, ओवरऑल प्लान में बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। ये समिति पूरे जिले की योजना बनाती है। जिला योजना समिति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद यानी पंचायती राज के तीनों स्तरों की तथा नगर परिषदों तथा पालिकाओं की योजनाओं का समन्वय करती है। जिला योजना समिति में 10 लाख तक की जनसंख्या के जिले में 20 सदस्य होते हैं और उससे ऊपर की जनसंख्या के जिले में 25 सदस्य होते हैं। ये जिला परिषद सदस्यों और नगर पालिका नगर परिषद के सदस्यों द्वारा ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर चुने जाते हैं। सरकार 2 अर्थशास्त्रियों या योजना बनाने वाले माहिरों को भी इसमें मनोनीत कर सकती है। टाउन एंड कंट्री प्लानर भी इसका सदस्य होता है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य इस समिति में विशेष रूप से आमंत्रित होते हैं और इसका कार्यकाल जिला परिषद के साथ ही चलता है, लेकिन इस समिति का अध्यक्ष उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर को बनाया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त को इसका सदस्य सचिव बनाया गया है। जिला योजना समिति ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं का जिला स्तर पर विश्लेषण करती है और उसकी सीमाओं का निर्धारण करती है। यही समिति ये फैसला करती है कि इन योजनाओं को किस तरह से कार्य रूप दिया जाएगा, इनके लिए संसाधन कहां से उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसका फायदा क्या होगा। यही नहीं, जिला योजना समिति किसी भी योजना पर ये निगरानी रखती है कि क्या वो ठीक तरीके से चलाई जा रही है या नहीं, जो मापदंड निर्धारित किए गए थे उनका इसमें अनुपालन हो रहा है या नहीं, और क्या वो काम योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं। जिला योजना समिति किसी भी योजना पर विचार करते हुए गांव में उपलब्ध संसाधनों का भी ध्यान रखती है, इसलिए ये भी जरूरी है कि ग्राम पंचायत अपनी योजना में अपने गांव के संसाधनों का ठीक ठीक ब्यौरा भेजे और साथ ही नक्शा भी भेजे। कुल मिलाकर जिला योजना समिति सभी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही योजना को बनाने और लागू करने की सहमति बनाती है। भैया, जो लड़के लड़कियों के लिए हाई स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा गया, इसमें ग्राम पंचायत ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा? उनका कहना है कि अगर प्राइमरी स्कूल के साथ ही हाई स्कूल का निर्माण हो जाता है तो कम लागत में हाई स्कूल बन जाएगा और जो पैसा बचेगा वो अन्य योजनाओं में इस्तेमाल होगा। भाई, इस योजना में शामिल आंकड़ों को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे गाँव में ये स्कूल खुल जाना चाहिए। भाई, मेरा तो ख्याल है अन्य ग्राम पंचायतों को भी ये सुझाव भेज देना चाहिए ताकि वो भी लड़कियों की शिक्षा के बारे में आंकड़े तैयार करें और उसी के अनुसार सार्थक कदम उठाने का प्रयास करें। क्यों? ठीक है जी, मेरा एक ये सुझाव है कि ग्राम पंचायत इस योजना की शुरुआत तो कर ही रही है,
लेकिन क्यों ना स्कूल के ही इमारत में प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत की जाए। और इस काम के लिए वो अपने पंचायत फंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भाई सुझाव तो बहुत अच्छा है। इस प्रस्ताव को पंचायत समिति की योजना का भाग बनाकर हमें इसे जिला परिषद को भेज देना चाहिए, क्यों ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक। विकेंद्रीकृत योजनाओं का एक लाभ ये भी है कि इसमें तालमेल सुनिश्चित हो जाता है और कम लागत में बढ़िया काम भी हो जाता है। दूसरा, इनमें खुलापन भी होता है, यानी ग्राम सभा के हर सदस्य को पता होता है कि योजना क्या है, इसमें इस्तेमाल होने वाले संसाधन कौन से हैं और इससे किसको कितना फायदा होगा। इस तरह से योजना के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ता है। यदि ग्राम पंचायत में ऊपर से कोई योजना बनाकर लागू कर दी जाती है तो गांव वाले उसे अपनी योजना न मानकर अपने लिए बनाई गई योजना मानते हैं, और ये पाया गया है कि ऐसी योजनाओं की सफलता विकेंद्रीकृत योजनाओं की तुलना में बहुत कम होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि योजनाओं में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी ग्राम सभा के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। तो भाइयों और बहनों, सबसे खुशी की बात यह है कि लड़कियों के स्कूल की योजना जो हमने भेजी थी वो पास हो गई है। देखना भाइयों और बहनों, ये हमारा अपना स्कूल है, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं और इसकी देखरेख का काम भी हम सबको मिलकर करना होगा। सरपंच साहब, इसके लिए फंड आ गया क्या? हाँ भाई, फंड भी आया है और साथ में एक सुझाव भी आया कि इस स्कूल में एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोल दिया जाए और इस काम में ग्राम पंचायत अपने फंड का इस्तेमाल करे। अब आप लोगों को भी इस योजना में अपना सहयोग देना होगा, इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जो भी अनपढ़ है वो अपना नाम लिखवाएं ताकि इस गांव में कोई भी अनपढ़ ना बचे। तो जी ठीक है ना? सरपंच जी, स्कूल की योजना तो पास हो गई है, बारात घर की भी बात कर लें। देखो भाइयों और बहनों, पहले एक काम पूरा हो जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालना ठीक होता है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास लड़कियों के स्कूल की इमारत हो जाती है तो छुट्टी के बाद हम उसका इस्तेमाल बारात घर के लिए भी कर सकते हैं, जिसके लिए कोई मामूली सी फीस लगा दी जाएगी, क्यों जी? और इसी तरह एक पंथ और दो काज भी हो जाएंगे। ठीक कहते हैं सरपंच साहब। जिला योजना समिति न सिर्फ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर परिषद या नगर पालिका द्वारा भेजी गई योजनाओं का मूल्यांकन, समन्वय और विश्लेषण करती है, बल्कि इन पर पूरी निगरानी भी रखती है ताकि योजना को सही व सफल ढंग से लागू किया जा सके। इसके लिए वो अपने विशेषज्ञों को भी योजना के काम पर नजर रखने के लिए भेज सकती है। लेकिन असल में तो ये योजनाएं ग्रामीण जनता की इच्छा व आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाती हैं। यही तो विकेंद्रीकृत योजना का मूल आधार है। जिला नियोजन समिति जिले की भौगोलिक स्थिति व अन्य सामान्य जानकारी इकट्ठा करती है ताकि उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जिले की विकास योजनाएं बनाई जा सकें। इनके लिए संसाधनों की व्यवस्था और जनभागीदारी निश्चित की जा सके व इन योजनाओं के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा सकें। तो चलिए एक बार फिर विकेंद्रीकृत नियोजन पर नजर डालते हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन से ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक जन सहभागिता का माहौल बनता है, जिससे ग्राम पंचायत के आधारभूत लक्ष्य सफल होते हैं। ग्राम सभा में इलाके की समस्याएं अपने सही रूप में सामने आती हैं और उनका उचित विश्लेषण हो सकता है। इससे भावी विकास की सही दिशा तय की जा सकती है। ग्राम सभा की प्रतिक्रिया से योजनाओं के चयन आदि में सहायता मिलती है और लोगों की भागीदारी बढ़ती है और उनका योजनाओं के चयन व उनके लागू करने में भरोसा बढ़ता है। विकेंद्रीकृत योजनाओं की सफलता से ही सही मायनों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकता है, जीवन स्तर बढ़ सकता है।